पाकिस्तानी रियल रिएक्शन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो हम देखेंगे, उसका टाइटल है इंडिया वर्सेस चाइना पैरा कमांडोज ट्रेनिंग में। मतलब इंडिया और चाइना की पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग में से कौन सी सबसे ज्यादा कठिन है, कौन सी सबसे ज्यादा मुश्किल है, आज हम ये देखने लगे हैं। बहुत ज्यादा मजा आने लगा है, तो बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, किसी भी देश की सेना उस देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कोई भी देश अपनी ताकत के हिसाब से ही दुनिया में अलग अलग रुतबा हासिल करता है, और इसके लिए सभी देश अपने देश के जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। इनको मुश्किल से मुश्किल हालात से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत और चीन के बीच हर वक्त बॉर्डर पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन लड़ाई की स्थिति में कब कौन किस पर भारी पड़ जाए, ये उस ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं क्या फर्क है इंडिया और चाइना के पैरा कमांडो ट्रेनिंग में। तो चलिए और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की और डालते हैं एक नजर पीएलए के स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग पर। नंबर एक, फिजिकल ट्रेनिंग। दोस्तों, चाइना के सभी कमांडोस किसी न किसी मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट होते हैं। ये एक जरिया होता है शरीर को सर से पांव तक मजबूत बनाने का। पीएलए अपने जवानों को सर से पत्थर तक टकरा जाने की भी ट्रेनिंग देती है। इनके जिस्म को इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये लकड़ी के मोटे मोटे गुद्दों को भी आसानी से तोड़ देते हैं। इस ट्रेनिंग में कई बार सैनिक सर पर भी घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते और फौलाद बनने की अपनी इस कड़ी परीक्षा में डटे रहते हैं। नंबर दो, इंसर्शन ट्रेनिंग। दोस्तों, पीएलए अपने जवानों को कुछ ऐसे ट्रेन करती है कि वो अपने दुश्मन के इलाके में किसी भी रास्ते से घुस पाए, फिर चाहे वो रास्ता समुद्र से हो, हवा से हो या फिर जमीन से। इन जवानों की पानी की ट्रेनिंग में शामिल होती है 10 किलोमीटर लंबी स्विम। इन्हें छोटे छोटे आइलैंड्स पर रहने की सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही इन्हें पहाड़ों पर, पानी में या फिर जंगल में पैराशूट से कैसे उतरना है और आगे कैसे बढ़ना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर तीन, पासिंग द पार्सल। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि पासिंग द पार्सल तो एक बच्चों का गेम होता है और इसमें खतरनाक क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि चाइना के सैनिकों को असल में ये गेम जिंदा ग्रेनेड से खेलना पड़ता है। ये ग्रेनेड एक दूसरे को तब तक पास करते हैं जब तक ये जहां से वापस शुरू नहीं हुआ था वहां तक वापस नहीं आ जाता, और ये खेल तब तक चलता है जब तक आखिरी सैनिक उसे फटने से पहले जमीन पर दबा न दे। दोस्तों, जब ट्रेनिंग में ही ये सैनिक मौत का खेल खेलते हैं तो फिर इसका नतीजा ये आता है कि वो असल में भी बिल्कुल नहीं घबराते। नंबर चार, माउंटेन ट्रेनिंग। दोस्तों, हिमालय की पहाड़ियाँ भारत और चीन को दो हिस्सों में बांटती हैं, और ऐसे में दोनों ही फोर्सेस के लिए ये जरूरी है कि वो अपने सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड के लिए तैयार करें। चाइना अपने कई सैनिकों को समुद्री तल से 12,000 से 18,000 की ऊंचाई पर ट्रेन करता है। इतनी ऊंचाई पर ये जवान हैवी मशीनों के इस्तेमाल के लिए उनकी रेंज और ट्रांसपोर्ट के अलावा बैटल रेस्क्यू और फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी करते हैं। नंबर पाँच, सर्वाइवल ट्रेनिंग। दोस्तों, जंगलों पहाड़ों में इन सैनिकों को सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें इन्हें ये बताया जाता है कि शिकार कैसे करना है, पानी को कैसे साफ करते हैं, आग कैसे जलाते हैं और नेचुरल शेल्टर कैसे बनाते हैं। इसके अलावा ये कमांडोस एडवांस कंप्यूटर्स और फॉरेन लैंग्वेजेस में भी काफी ट्रेंड होते हैं, और यही कारण है दोस्तों कि पीएलए की स्पेशल ऑपरेशंस कमांडोस दुनिया भर के सबसे खतरनाक कमांडोस में से एक हैं। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भारत के कमांडोस चीन के कमांडोस के सामने कुछ नहीं है, तो आपका मानना बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें भारत में मिलने वाली पैरा कमांडो ट्रेनिंग की, तो भारत में पैरा कमांडो की कोई स्पेशल भर्ती नहीं होती, बल्कि इनकी भर्ती आर्मी की अलग अलग रेजिमेंट्स में से करी जाती है, और कुछ खास जवानों को चुनने के बाद उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स में भेज दिया जाता है, जहां शुरू होती है इनकी बेसिक्स ट्रेनिंग, जो कि आम ट्रेनिंग से 5 गुना ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में पीएलए स्पेशल ऑपरेशंस के जवानों की तरह ही फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, और ये ट्रेनिंग इतनी भयानक होती है कि हम और आप जैसे लोग शायद ही इसे अटेम्प्ट करने का सोच सके। ये एक्सरसाइज जवानों को फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के एक्सट्रीम प्रेशर में भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दी जाती है। फिर इन सब ट्रेनिंग के बाद 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग दी जाती है, और 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है रात के 2 बजे से।
जब जवान करीब 4 डिग्री टेम्परेचर की कड़कती ठंड में सो रहे होते हैं, तभी इन जवानों को बम के धमाके और गोलियों की आवाज से इन्हें कच्ची नींद से जगाया जाता है। हड़बड़ाहट में उठे सैनिकों को फौरन लाइन में लगाने का आदेश दिया जाता है। पिछले एक हफ्ते से उन्हें हर रात 1 या 2 घंटे की नींद ही दिलाई जाती है। ये पैरा कमांडो के बेहद मुश्किल 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग की शुरुआत है। दिमाग और शरीर से थककर चूर हो चुके इन सैनिकों को एक बार फिर से रूटीन एक्सरसाइज कराई जाती है और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक इनमें से कुछ सैनिक हार नहीं मान लेते। और इसके बाद इन ट्रूपर्स पर 30 किलो का वजन लाद दिया जाता है और उन्हें 2 घंटे में 10 किलोमीटर लंबी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना होता है। और दोस्तों, खास बात, इन सैनिकों में एक सादी वर्दी में एक सैनिक और होता है जो कि इन्हें वापस रेजिमेंट में लौट जाने के लिए उकसाता रहता है। इसके बाद उन्हें अपने दोस्त को कंधे पर बिठाकर चलना होता है। असल में पैरा कमांडोज का ये मानना होता है कि वो अपने साथी को कभी भी दुश्मन के इलाके में छोड़कर नहीं आना है। 5 घंटे की कंटिन्यूस ट्रेनिंग के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि इन्हें आराम दिया जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। अब यहाँ से इनकी ट्रेनिंग और भी मुश्किल हो जाती है। अब इन्हें 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 राउंड लगाने होते हैं जिसमें इनके पास 30 किलो का बैटल लोड और हथियार तो होते ही है। साथ ही हर राउंड में इनका वजन बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में इन्हें 20-20 किलो के भरे हुए कैंस दिए जाते हैं। सेकेंड राउंड में इन्हें ट्रक का टायर और थर्ड राउंड में इन्हें लकड़ी का भारी भरकम टुकड़ा दिया जाता है जिसका वजन 30 से 70 किलो तक होता है। हर राउंड को कंप्लीट करने के लिए इनके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है और ये सब कंटिन्यूस ट्रेनिंग वो पिछले 9 घंटों से लगातार कर रहे होते हैं। कमांडोस बिना खाए पिए लगातार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से इन कमांडोस की सारी ताकत निचुड़ चुकी होती है। अब इसके बाद इन कमांडोस के हाथ पैर बांध कर इन्हें 12 फीट गहरे पानी में डाल दिया जाता है। पानी में इनके साथ एक और कमांडो होता है जो इन्हें सिर्फ जिंदा रहने लायक ही ऑक्सीजन लेने देता है। इस ट्रेनिंग का मकसद होता है जवान के दिल से डर को पूरी तरह निकालना। अब तक 36 घंटों में से सिर्फ 14 घंटे ही पार हुए होते हैं। इसके बाद इन्हें एक खास तरह का लिक्विड दिया जाता है जो कि देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इन्हें गटर का पानी दे दिया हो। असल में ये एक जूस होता है जिसमें डिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन मिला होता है और ट्रेनिंग में इस लिक्विड को गंदा पानी ही बताया जाता है। इस तरह इनकी फिजिकल ट्रेनिंग तो किसी तरह कंप्लीट हो जाती है। फिर बात आती है इनकी मेंटल ट्रेनिंग की जिसमें इन पर बहुत दबाव डाला जाता है। इनके चारों तरफ कमांडो चिल्ला रहे होते हैं, लाल पीली लाइट्स जल रही होती हैं और इतने सारे दबाव में इन्हें कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए कहा जाता है। इसके बाद इनका मेडिकल चेकअप होता है और इसमें जो जो जवान फिट पाए जाते हैं उन्हें 10 किलोमीटर आगे स्पीड मार्च में भेज दिया जाता है और इस स्पीड मार्च के बाद 20 घंटे से भूखे जवानों को खाना तो दिया जाता है लेकिन बिल्कुल रूखा सूखा। खाना खाने के बाद इन पर नींद हावी होने लगती है लेकिन ट्रेनिंग टीम इनसे अलग अलग काम करवाती है ताकि ये अगले 6 घंटे तक सोए ना। 6 घंटे बाद एक स्पीड मार्च करवाया जाता है और फिर इन ट्रूपर्स को 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है जहां इनकी कॉम्बैट स्किल्स को चेक किया जाता है। फिर ये कीचड़ में उतरते हैं जहां इन्हें रगड़ते हुए अपने हथियारों के साथ आगे जाना होता है। इस ट्रेनिंग के कई फेस में कई जवान ऐसे होते हैं जो बेहोश तक हो जाते हैं और हिम्मत भी हार जाते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ जवान इस ट्रेनिंग को पार करके मजबूत फौलाद बनकर खत्म करते हैं इस 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग को और पहनते हैं इस मरून कैप को। खैर दोस्तों, इंडिया हो या चाइना, दोनों देशों के सैनिक अपनी टफ ट्रेनिंग और कॉम्बैट स्किल्स के लिए ही जाने जाते हैं। इन दोनों देशों की कमांडो ट्रेनिंग को देखकर आपको क्या लगता है कि कौन से देश की ट्रेनिंग ज्यादा खतरनाक थी, हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये वीडियो खत्म यार, ऐसे तो दोनों यार। देशों की मुझे कठिन लगी है लेकिन इंडिया की जो यहाँ पर बहुत सख्त बनाती है 36 घंटे बनाती है बिल्कुल। ये वाली जो चीज है ना यार, हमने जब फर्स्ट टाइम देखा था हमारी वो वीडियो ब्लॉक हो गई थी लेकिन फर्स्ट टाइम हमने देखा तो रोंगटे खड़े हो गए थे भाई। ऐसे यार ये बहुत बहुत चाइना की मुश्किल जो है बीच में उनका डर जो सही खत्म करती है वो बम वाली भाई, बम दे रहे हैं हाथ में सीधा भाई और वो फिर फैंक के बाहर नीचे भागना होता है। सच में वो बहुत खतरनाक था यार, इसमें कोई शक नहीं है। और यार जिस तरीके से यार कंट्री अपने, मतलब अपने कंट्री के लिए जितनी मुश्किल से यार कोई भी देश हो ये करता है यार, इनके सल्यूट है, सल्यूट है यार, क्योंकि यार बहुत ज्यादा इंडिया की 36 स्ट्रेस और अनबिलीवेबल इतना पेन डालते हैं इस बंदे के ऊपर।
नींद पूरी नहीं होती। हाँ। काफी बम से उठाया जाता है एक हफ्तों से तो उनको एक एक घंटा यार एक एक घंटा कौन सोता है भाई, बम मार के उठाया बम मार के गोलियों से उठाया जाता है मतलब यार वो समझते हैं कोई फाइट शुरू हो गई है और फिर वो 36 घंटे और यार इसमें एक और भी होता है ना जो कॉर्च खिलाया जाता है इस तरह वो भाई वो जो सब बन जाते हैं ना वो उसके बाद एक सेरेमनी होती है उसमें थोड़ा सा कांच खाते हैं। मैंने वो एक वीडियो देखी थी उसमें यार हमने देखा था उसमें वो आखिर पे जब बन जाते हैं ना फिर मतलब पासिंग आउट या उस पर फिर वो कांच खाते हैं फिर वो बहुत वो और खतरनाक है। गाइस आप क्या कहते हैं अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना। बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।